Recording in progress. हेलो بسم الله الرحمن الرحيم. आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, सर आ रही है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिविल वॉर से। पिछले लेक्चर में हमने इससे पहले की जो चीज़ें पढ़ी थी एक्सपेंशनिज्म के हवाले से, हमने पीछे पढ़ा था तो एक्सपेंशनिज्म के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी थे जो उस वक्त के जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं परसीव किया था कि जब बहुत ज़्यादा टेरिटरी ऐड होने लग गई, स्टेट्स ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो फिर कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व अभी तक नहीं किया गया था और जिनकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस था वो था स्लेवरी का इशू, स्लेवरी और स्टेट के कुछ राइट्स, यानी स्टेट वर्सेस फेडरेशन के कुछ इश्यूज सामने आए जिसमें काफ़ी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए जिसमें फिर स्टेट्स ने एक अपनी कुछ मनमानी करने की कोशिश की या कुछ लोगों को या ख़ास तौर पे जो सदरन स्टेट्स थी उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई इतनी ज़्यादा पावर या बात नहीं सुनी जा रही और ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब हो चुका है नॉर्थ का। शुरू में जो साउथ था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, शुरू के प्रेजिडेंट भी साउथ से थे और पोलिटिकल पार्टिसिपेशन भी साउथ की काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉर्थ के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से पावर, सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होने लग गया, जिसकी वजह से सदरन स्टेट्स को ये फील हुआ कि उनकी बात उस तरीके से नहीं मानी जा रही और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे। सो ये बात आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती रही। 1845 के अंदर मैक्सिकन वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी ऐड हुई जिसकी वजह से ये इशू पैदा हुआ कि जो नई टेरिटरी ऐड हुई है उसको उसके अंदर जो स्टेट्स ऐड हो रही हैं वहाँ पे स्लेवरी अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इशू था ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते बढ़ते आपस में नॉर्थ और साउथ के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया और 1865 के अंदर फिर ये 61 से 65 के अंदर ये वॉर हुई साउथ और नॉर्थ में। इसमें जो नॉर्थ की स्टेट थी उन्होंने अपने आप को यूनियन का नाम दिया क्योंकि वो ये चाहते थे कि यूनियन इंटैक्ट रहे, इकट्ठी रहे, और जो साउथ की स्टेट्स थी उन्होंने अपनी अलग स्टेट बनाने की कोशिश की, उन्होंने कॉन्फेडरेसी के नाम से
11 स्टेट्स ने अपनी अलग एक स्टेट बनाने की कोशिश की, और वो चाहते थे कि स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्लेवरी की जो रिवायत है वो कायम रहे, वो ख़त्म ना हो। और ये एक बुनियादी नुक्ता था जिसकी वजह से जो ये कॉन्फेडरेसी थी उसने यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। लेकिन जो यूनियन थी, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कॉन्फेडरेसी को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ। और इसमें कहा जाता है कि 700,000 से 800,000 के करीब लोगों की डायरेक्ट डेथ हुई थी, 1 मिलियन के करीब यानी आप कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेथ्स हुई थी। और ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं यूएस की। इसके अलावा कोई ऐसी वॉर नहीं है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यूएस की हिस्ट्री के अंदर जिसमें इतने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हुई हों, इतने बड़े पैमाने पर डेथ्स हुई हों। सो सिविल वॉर अभी भी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन टर्म्स ऑफ डेथ्स of soldiers and civilians. अब इसके क्या reasons क्या थी, causes क्या थे, इस पर थोड़ी सी debate है कि क्या slavery ही सिर्फ issue था इसमें या और भी issues थे। तो क्योंकि हम थोड़ा सा हर issue को थोड़ा complex करके देखते हैं, simple कहा कह दिया जाए कि जी slavery की वजह से जंग हो गई थी तो ये बात कुछ सही मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि slavery वाहिद issue नहीं था और slavery के अलावा भी काफ़ी ऐसे issues थे जिसकी वजह से एक सिचुएशन पैदा हो रही थी। सो उसके अंदर जो मेजर आप कहेंगे, अगर आपने ये कॉजेज ऑफ सिविल वॉर के ऊपर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप मेजर इशू स्लेवरी को कहेंगे, सेंट्रल इशू आप स्लेवरी को कहेंगे, और बाकी इशूज़ को आप कहेंगे कि वो स्लेवरी के गिर्द रिवॉल्व करते थे, या फिर वो कुछ ऐसे इशूज़ भी थे जो इंडिपेंडेंट थे जिनका स्लेवरी के साथ ताल्लुक नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द इशूज़ जो प्रोमिनेंट इशूज़ थे वो स्लेवरी से कहीं ना कहीं किसी हद तक कनेक्टेड थे। और ये एक बहुत ज़्यादा डिवाइसिव टॉपिक था, इसी की वजह से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी थी जो कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी स्टेटमेंट्स से भी ये जाहिर होता है कि स्लेवरी मेजर इशू था, लेकिन फिर ये स्लेवरी क्योंकि दूसरे इशूज़ के साथ लिंक्ड था तो आपने उनको भी यानी इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पोलिटिकल डिफ्रेंसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें जब मिल गई तो उसकी वजह से फिर ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि जिसमें स्टेट्स वर्सेस फेडरेशन की एक सूरत हाल पैदा हुई, और स्टेट्स ने मिल के, कुछ चंद स्टेट्स ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने मिल के तो फेडरेशन के ख़िलाफ़ एक बगावत का ऐलान कर दिया। और जो आखिरी इसके अंदर जो स्ट्रॉ था वो था इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन एज प्रेसिडेंट। 1860 के अंदर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे और इनकी जो कैंपेन थी वो एंटी स्लेवरी यानी इनका था स्टांस था, एंटी स्लेवरी स्टांस पर इन्होंने पूरी की पूरी कैंपेन की थी और ये इलेक्शन जीत गए थे। तो इनके जीतने का मतलब यही था कि अब स्लेवरी को अबॉलिश किया जाएगा, तो उसकी वजह से फिर जो सदरन स्टेट्स थी उन्होंने सेसेड करना शुरू कर दिया यूनियन से। और यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको पहले भी एक मेंशन किया था ब्रीफली कि रिपब्लिकन पार्टी से थे अब्राहम लिंकन, रिपब्लिकन पार्टी एंटी स्लेवरी थी, रिपब्लिकन पार्टी की ज़्यादा जो पोलिटिकल पार्टिसिपेशन थी वो नॉर्थ से थी। सो ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये इंडिविजुअल राइट्स के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी का उस वक्त बहुत ज़्यादा एक किरदार था, और रिपब्लिकन पार्टी ही थी जिसने स्लेवरी को अबॉलिश किया था, उसके अगेंस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और डेमोक्रेटिक पार्टी उस वक्त स्लेवरी के हक में थी, वो ये नहीं चाहते थे कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। लेकिन अभी के अगर जो हालात आप देखते हैं तो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के जो स्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो एंटी इमिग्रेशन हैं, वो एंटी ब्लैक्स भी आप किसी हद तक उनको कह सकते हैं, वाइट सुप्रीमेसी एक एलिमेंट भी आपको नज़र आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और बाकी भी जो जो एक जिनकी बहुत ज़्यादा कैंपेन होती है अफ्रीकन अमेरिकन के राइट्स के खिलाफ, तो वो भी इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी से हैं। सो ये एक एवोल्यूशन हुई है, रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कि एंटी स्लेवरी थी, जिसने अमेरिका को स्लेवरी से निजात दिलवाई, वो इस वक्त आके वाइट सुप्रीमिस्ट के हाथों में किसी हद तक वो पॉपुलिस्ट एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। सो ये जो एक कैफियत बन रही थी उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट तो उसी वक्त से हो जाता है जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया जाता है 1776 के अंदर, कि आपने एक लिबर्टी फ्रेटर्निटी और आपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर आपने एक नई स्टेट बनाई है, लेकिन आपने इक्वालिटी को, और आपने कह भी दिया कि
ये जो राइट्स हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स आर एंडोर्ड विद सर्टेन इनएलिनेबल राइट्स, और इक्वालिटी के ऊपर बात भी की, लेकिन आपने स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने डिक्लेरेशन के अंदर। सो एक फ्रीडम लविंग और स्लेव होल्डिंग सोसाइटी थी, एक तरफ फ्रीडम की बात करते थे, दूसरी तरफ स्लेवरी को अलाउ करते थे। फिर उसके बाद क्या चीज़ मैंने आपको बताई कि जो ईस्ट के अंदर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही थी। अब ये इंडस्ट्री जो थी वो डिपेंडेंट थी बहुत ज़्यादा स्लेवरी के ऊपर, सॉरी फ्री लेबर के ऊपर, और जो आपकी साउथ की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी। सो एक तरफ आपकी इंडस्ट्री बूम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, कॉमर्स ट्रेड बढ़ रही है, फ्री लेबर की आपको ज़रूरत है जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, हार्बर्स पे काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऊपर काम करने के लिए। लेकिन जो दूसरी तरफ की सिचुएशन है वहाँ पे साउथ में एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो शुरू से ही थी, तो साउथ की जो स्टेट थी वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी में कॉटन, टोबैको, राइस और ये इस तरह की फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जा रही थी, और ये सारी की सारी फसलें स्लेवरी के ऊपर डिपेंडेंट थी क्योंकि वहाँ पे फ्री लेबर को कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था, सारी की सारी लेबर बॉन्डेड लेबर थी, स्लेवरी के ऊपर थी। इस हद तक कि 1850 में अमेरिकन साउथ दुनिया का 80% कॉटन प्रोड्यूस करता था, यानी इतनी ज़्यादा, और टोबैको भी इसी हद तक वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। तो इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल सोसाइटी वहाँ पे एक डोमिनेट कर रही थी, इवन दुनिया पूरी में वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स वहाँ से बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो स्लेवरी की अहमियत फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऐसी स्टेट्स को ये कहा जाएगा कि आप स्लेवरी को ख़त्म करें तो वो कैसे इस चीज़ को मान लेंगे कि ठीक है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि स्लेवरी के ऊपर उनकी पूरी की पूरी इकॉनमी डिपेंडेंट है। सो अब ये एक इशू था इकॉनमी के हवाले से, आपने लिंक किया इस इशू को स्लेवरी को इकॉनमी के हवाले से, साथ ही स्टेट के राइट्स के ऊपर भी इशू था, यानी 1820 से ही ये इशू स्टार्ट हो गया था, शुरू से ही स्टार्ट हो गया था। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि एक ऐसा एक दाग है, एक ऐसा कैंसर है जिसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये ज़रूर सामने आएगा और हमें इससे डील करना पड़ेगा। सो ये एक ऐसा इशू था जो शुरू से ही फाउंडिंग फादर्स के जहन में था, लेकिन 1820 में मिजूरी नई स्टेट ऐड हुई और मिजूरी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मिजूरी कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये था कि मिजूरी के अंदर स्लेवरी को अलाउ किया गया और साथ ही एक और स्टेट को अलाउ को स्टेट को ऐड किया गया था फेडरेशन के अंदर, और उसका नाम था मेन। तो दो स्टेट्स ऐड हो रही हैं और उससे पहले जो स्टेट्स थी वो बराबर थी, यानी आधी स्टेट्स में स्लेवरी अलाउ थी और आधी स्टेट्स के अंदर स्लेवरी अलाउ नहीं थी। तो जब ये दो नई स्टेट्स ऐड की गई तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि एक स्टेट को एज अ स्लेव होल्डिंग स्टेट ऐड किया जाएगा और दूसरी स्टेट जिसका नाम दूसरी स्टेट जिसका नाम मेन था, तो मेन को एज अ फ्री स्टेट फेडरेशन के अंदर शामिल किया गया। सो इसको कहते हैं मिजूरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1820, मिजूरी स्लेव स्टेट और मेन को फ्री स्टेट के तौर पे ऐड किया गया था। अब ये कॉम्प्रोमाइज आपने देख लिया, पीछे आपने इकॉनमी को देख लिया, उसके साथ साथ ही अब एक साथ एक वो चल रही है, मूवमेंट चल रही है एबोल्यूशनिस्ट्स की, यानी ऊपर जो दो तीन आपने पॉइंट्स देखे वो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो भी एबोल्यूशनिस्ट्स का पॉइंट है वो एक इंटरनल पॉइंट है अफ्रीकन अमेरिकन का, या स्लेवरी के अंदर से एक जो मूवमेंट चल रही थी। इसमें एक नैट टर्नर रेबेलियन हुआ था 1830s के अंदर जिसमें 60 से ज़्यादा वाइट लोगों को कत्ल कर दिया गया था, स्लेव्स ने एक रेबेलियन किया था और फिर उन स्लेव्स को मार दिया गया, उनके जो जो भी सहूलतकार थे उनको भी मारा गया और बहुत ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया गया इस रेबेलियन के ख़िलाफ़। लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा नतीजा ये निकला कि एक यानी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैली नैट टर्नर रेबेलियन के हवाले से। उसके बाद ये जो एवोल्यूशनिस्ट थे, एवोल्यूशनिस्ट वो थे जो स्लेवरी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। सो इन्होंने अपनी कैंपेन के जरिए 1808 के अंदर ही एक पहली अर्ली विक्ट्री के तौर पे आप कह सकते हैं कि 1808 के अंदर स्लेवरी एज स्लेव ट्रेड को इलीगल करार दे दिया गया था अफ्रीका से। सो यहाँ तक जो भी स्लेव आ चुके थे अमेरिका के अंदर वो आ गए थे, स्लेव ट्रेड को एक इकोनॉमी से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डीलिंक कर दिया गया। उससे पहले तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेड होती थी, बहुत बड़ी एक इकॉनमी का एक हिस्सा होती थी स्लेव ट्रेड। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हुआ 1850 का। अब ये एक आप टाइमलाइन देख सकते हैं 1850 का जो कॉम्प्रोमाइज था उसके अंदर कैलिफोर्निया को फ्री स्टेट ऐड किया गया लेकिन किसी और स्टेट को स्लेव स्टेट के तौर पे ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज में ये चीज़ हुई कि फ्यूजिटिव स्लेव लॉज
ऐड किए गए। अब ये फ्यूजिटिव स्लेव लॉज क्या थे, यानी कैलिफोर्निया के अंदर स्लेवरी नहीं होगी। अब आप लिंक करेंगे 1850 के अंदर जो कैलिफोर्निया की पूरी टेरिटरी है वो कहाँ से आई है, वो मेक्सिकन अमेरिकन वॉर से आई है। 1845-46 में मेक्सिकन सेशन हुआ, मेक्सिकन अमेरिकन वॉर हुई और उसके बाद जो टेरिटरी ऐड हुई उसके अंदर से कैलिफोर्निया स्टेट और भी बहुत सारी स्टेट्स ऐड हुई। इस कॉम्प्रोमाइज के अंदर कैलिफोर्निया को फ्री स्टेट के तौर पे ऐड किया गया, लेकिन साथ में ये लॉ लगाया गया कि कोई भी स्लेव अगर किसी फ्री स्टेट से भाग के फ्री स्टेट के अंदर जाता है तो उसको वापस करना पड़ेगा। अथॉरिटीज, वहाँ की अथॉरिटीज इस बात की पाबंद होंगी कि वो स्लेव को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर भेजें। यानी ये नहीं हो सकता कि एक स्लेव अगर भाग के कैलिफोर्निया पहुंच गया है, टेक्सास से कैलिफोर्निया चला गया है, तो वहाँ की पुलिस ये कहे कि जी यहाँ पे तो लोग सारे फ्री हैं, यहाँ पे तो कोई स्लेवरी है ही नहीं, तो हम तो इसको कुछ नहीं कर सकते। तो एक फेडरेशन ने ये लॉ मंजूर किया कि स्टेट्स ठीक है कि वो अपने अंदर लेजिस्लेशन उनकी हो सकती है फ्री, यानी स्लेवरी फ्री स्टेट के तौर पे वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स का ये राइट है, जो स्टेट स्लेवरी को अलाउ करती हैं उनका ये राइट है कि अगर उनसे कोई स्लेव भाग के, कोई गुलाम भाग के फ्री स्टेट में जाता है तो वहाँ की अथॉरिटीज इस बात की पाबंद होंगी कि वो उसको वापस करेंगी। ये भी एक काफ़ी कंटेंशियस इशू था फ्यूजिटिव स्लेव लॉ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो माइग्रेशन करना चाहते थे, और साथ में ये भी एक परसेप्शन है कि जो नॉर्थ की जो इंडस्ट्री थी उसको लेबर की ज़रूरत थी, तो वो ये चाहते थे कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये वो लोग थे जो बहुत यानी एक फिजिकली स्ट्रांग भी थे और लेबर के लिए बहुत अच्छे लो वेजेस पे काम करने वाले लोग थे। तो नॉर्थ ये चाहती थी कि स्लेवरी को अबॉलिश ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अवेलेबल हो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो साउथ था वो ये कहता था कि हमें तो स्लेवरी ही हमारी लेबर है, हम अगर स्लेवरी को आपको ख़त्म कर दें तो फिर हमारे पास एग्रेरियन इकॉनमी कैसे चलेगी। उसके बाद 1852 के अंदर एक बुक आई, एक नावल आया, उसका नाम था अंकल टॉम्स कैबिन और ये हैरियट बीचर स्टोव। ये बहुत मशहूर किताब है और ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए इसका नाम, इसके राइटर का नाम और उसके पब्लिशिंग ईयर। इस नावल के अंदर हैरियट बीचर स्टोव ने एक स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी बताई जिसमें एक वाइट मैन है और उसके साथ कुछ बच्चे हैं जो ब्लैक्स हैं और उनका आपस में इंट्रैक्शन होता है और वो एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, तो उनको पता चलता है कि ब्लैक और वाइट को इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो वो उनका आपस में एक इंट्रैक्शन इस तरह का होता है कि एक यानी एक पॉजिटिव वो इस चीज़ को फील करते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी आर ऑल इक्वल एंड वी हैव सेम प्रॉब्लम्स, वी हैव सेम इमोशंस, वी हैव सेम हैप्पीनेस मोमेंट्स। तो वो उनको एक फील होता है कि जो हमने एक डिवीजन की हुई है ये बहुत गलत है। सो ये जो नावल था ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा और उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के थॉट प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हालात उस तरफ जा रहे हैं कि जो एक कैंसस नेब्रास्का एक्ट आया, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि जो स्टेट्स का मैंने आपको जिक्र किया कि ये वो स्टेट्स हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं और नीचे जो स्टेट्स हैं वो हैं साउथ की तरफ। तो डिफरेंट एक परसेप्शन थी दोनों तरफ में। एक तरफ आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो नॉर्थ की स्टेट्स थी यहाँ पे ज़्यादा एक सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी एग्रीकल्चरल की बजाय वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री पे फोकस था, जबकि नॉर्थ में ज़्यादा फोकस एग्रेरियन इकॉनमी के ऊपर था। सो अब ये एक तरह से डिवीजन बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट हो गई और इस डिवीजन की वजह से फिर ये जो ऑरेंज में आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं ये सारी साउथ की स्टेट्स हैं। इसमें आपको ये टेक्सास एक स्टेट नज़र आ रही है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, अलबामा है, फ्लोरिडा है, ये सारी की सारी एग्रेरियन स्टेट्स हैं जो नीचे की तरफ हैं और साउथ की तरफ हैं। आप मैप भी देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये साउदर्न स्टेट्स हैं, ऊपर की जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ की स्टेट्स हैं। इसके अंदर कौन सी है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, मैसाचुसेट्स है, ये आज भी स्टेट्स, ये वाली जो ऊपर वाली है न्यूयॉर्क वगैरह, ये कॉस्मोपॉलिटन स्टेट्स हैं। ये इनके अंदर ज़्यादा एक यानी इंडस्ट्री ज़्यादा है, शहरी
इलाके यहाँ पे ज़्यादा हैं, आबादियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इन स्टेट्स के अंदर आपको इस वक्त भी इंडस्ट्रियल जो फोकस है वो ज़्यादा नज़र आता है। अब एक जो रीजंस थी वो आपको मैंने ब्रीफली बताई, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है कि एवोल्यूशनिस्ट्स का एक रोल था उसमें, फिर मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसके बाद कैंसस नेब्रास्का एक्ट इसके अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। इस एक्ट के ज़रिए एक नया यानी एक फार्मूला अडॉप्ट किया गया और उसका मकसद ये था कि स्लेवरी और जो ये एंटी स्लेवरी का जो इशू है इसको किसी हद तक रिजॉल्व किया जा सके, इसको किसी हद तक एक इसका को हल निकाला जा सके, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और कैंसस नेब्रास्का एक्ट के अंदर एक चीज़ जो ऐड की गई थी वो थी पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसका मतलब ये था कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से, वो चाहे तो वो प्रो स्लेवरी हो जाए चाहे वो एंटी स्लेवरी हो जाए, फेडरेशन को ये अख्तियार नहीं होगा। कांग्रेस ने ये एक्ट पास किया था कि फेडरेशन को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी स्टेट को इस चीज़ पे मजबूर करे कि वो स्लेवरी स्लेव स्टेट होगी या फ्री स्टेट होगी। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी वहाँ के लोग जो भी चाहेंगे वोट के ज़रिए से वो वोट करके अपने नुमाइंदों को बताएंगे कि वो स्लेवरी चाहते हैं या नहीं चाहते। इससे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे वो फेडरेशन की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, लेकिन यहाँ पे कैंसस नेब्रास्का एक्ट के आने की वजह से एक पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें ब्लीडिंग कैंसस एक इवेंट हुआ था जिसमें कैंसस जो स्टेट थी वहाँ पे अब अभी इलेक्शंस होने थे, जिसकी वजह से फिर एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो प्रो स्लेवरी लोग थे वो भी और एंटी स्लेवरी लोग थे वो भी कैंसस के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गए। यानी जो कुछ ख़ास किस्म के एक्टिविस्ट थे वो कैंसस को उन्होंने रुख किया ताकि वहाँ पे अपनी मर्जी का एक आउटकम लिया जा सके। प्रो स्लेवरी वाले ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसस जाके वहाँ पे कैंपेन करें, वहाँ पे लोगों को कायल करें कि यहाँ पे स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, और जो प्रो स्लेवरी वाले थे वो चाहते थे कि स्लेवरी होनी चाहिए। सो इस तरीके से ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनी और एक एक आपस में लड़ाई हुई जिसकी वजह से एक इवेंट हुआ जिसको ब्लीडिंग कैंसस कहा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ्स हो गई थी। अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपस में एक बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बजाय इसके कि इश्यू सॉल्व हो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो तो सिटीजन्स हैं ही नहीं और उनको कोई राइट्स हैं ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी ये वो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उसने कहा कि जब यानी लॉजिक ये था कि 1776 के अंदर जब अमेरिका बना था तो अफ्रीकन अमेरिकन्स को तो उसके अंदर शामिल ही नहीं किया गया था। जो लोग थे वो वाइट मेल लोगों का ये मुल्क है और उन्होंने ये बनाया है, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन्स तो ऐसे ही बीच में ऐड हो गए हैं, तो इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारे साथ और ये इस मुल्क के शहरी नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता और इनको कोई हकूक हासिल नहीं है, और जो ड्रेड स्कॉट है इसको वापस किया जाए इसके मालिक को। और साथ ही डिसीजन ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये जो मिजोरी कॉम्प्रोमाइज था और जो ये 1850 का जो कैलिफोर्निया कॉम्प्रोमाइज था ये इलीगल है। यानी 1850 और मिजोरी में जो कॉम्प्रोमाइज़ किए थे फेडरेशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो इलीगल हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लेवरी जो है वो स्टेट्स का हक है और अफ्रीकन अमेरिकन क्योंकि वो कोई उनका तो है ही नहीं, शहरी हक हकूक उनके पास है ही नहीं, तो इसको कैसे आप कह सकते हैं कि जो भाग के गया उसको एक वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी उसका कोई जब हक ही नहीं है तो उसके बारे में किसी किस्म की जो कानून साजी वो की ही नहीं जा सकती। ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन साबित हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई नॉर्थ और साउथ के दरमियान में।
उसके बाद हार्पर्स फेरी इंसिडेंट हुआ, जॉन ब्राउन एक एवोल्यूशनिस्ट था, ही वाज अ वाइट मेल, तो उसने हार्पर्स फेरी वर्जीनिया के अंदर उसने एक ये अटैक किया था। हार्पर्स फेरी एक टाउन था, वहां पे टाउन हॉल था, उसमें उसने टाउन हॉल को अटैक किया, वहां पे असला था तो उसको उसने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जो वर्जीनिया की स्टेट थी उन्होंने वहां के जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उसको नाकाम बना दिया और उसको मार दिया गया। जब उसको जॉन ब्राउन को मारा गया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक सेंटिमेंट पैदा हुए, जो एंटी स्लेवरी एवोल्यूशनिस्ट कॉज था उसको एक नया फ्यूल मिला, क्योंकि जॉन ब्राउन ने अपने आप को वहां पे बचाने की कोशिश ही नहीं की, उतने थोड़े लोग लेके गया था वहां पे, तो एक इतनी बहादुरी का ये एक शामिल हुई चीज इसमें कि उसको एक बहुत ज्यादा पजीराई मिली और ये इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। सो अब यहाँ पे आके एक आपको टेंशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है और साथ ही फिर आगे एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें एक तरफ एंटी स्लेवरी है और एक तरफ प्रो स्लेवरी है। एक तरफ अब्राहम लिंकन है जो कि कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं स्लेवरी को अपॉलिश कर दूंगा, और दूसरी तरफ दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम स्लेवरी को जारी रखेंगे और स्लेवरी हमारा हक है। सो ये एक बड़ा डिसाइसिव किस्म का इलेक्शन था, और जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अब्राहम लिंकन, तो सदरन स्टेट्स ने फिर डिसाइड किया कि अब हम फेडरेशन का यूनियन का हिस्सा नहीं रह सकते, और सबसे पहले साउथ कैरोलिना ने ये डिसाइड किया कि वो अब सीसीड करते हैं यूनियन से दिसंबर 1860 में, और उसके बाद काफ़ी सारी और भी सदरन स्टेट्स थी जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यूनियन से सीसीड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका बना दी, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंस्टेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी, और उन्होंने कहा कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, और हम नहीं मानते नॉर्थ की ये जो यूनियन है, जिसकी वजह से फिर एक बड़ी लाइन ड्रॉ हो गई कि या तो अब एक साइड जीतेगी या दूसरी साइड जीतेगी, अब दरमियान वाली तो कोई बात बीच में रह नहीं सकती थी। सो जब ये प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस ने ये बनाई, यानी कॉन्फेडरेट स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे वो उनका नाम आपने याद कर लेना है, और फरवरी 61 के अंदर इन्होंने 11 सदरन स्टेट्स के साथ ये एक नई स्टेट बनाई, लेकिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इस चीज़ को जाहिर एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने एक फुल स्केल मोबिलिटी और जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्स थी उसको इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि इस तरह इसको रोका जाएगा। इसमें जो दो बड़े मेन नाम हैं उसमें जनरल यूलिसेस एस ग्रांट हैं, जिन्होंने यूनियन की तरफ से एंड पे जाके फोर्सेस की क्यादत की थी, उससे पहले भी जनरल्स थे जिन्होंने क्यादत की थी लेकिन वो नाकाम रहे थे, और यूनियन को काफ़ी मुश्किल हुई थी कॉन्फेडरेट्स को शिकस्त देने में, लेकिन एट द एंड यूलिसेस ग्रांट ने जो है वो कामयाबी हासिल की, और जनरल रॉबर्ट ई ली को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनरल रॉबर्ट ई ली का नाम बहुत ज़्यादा एक यूएस हिस्ट्री के अंदर लिया जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है, इवन दो कि वो कॉन्फेडरेट स्टेट्स की तरफ से लड़े थे, लेकिन इस वक्त भी अभी भी उनके बारे में जो साउथ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंट है और उनको हीरो के तौर पे समझा जाता है, और नॉर्थ में भी उनकी जो बहादुरी और जो उनके टैक्टिक्स थे उस पर बहुत ज़्यादा एक यानी समझा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। ही कुड नॉट विन द वॉर, उसके कुछ और रीजन्स थे, उसमें नॉर्थ के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, उनके पास वेपन्स बहुत अच्छे थे, उनके पास आर्मी बहुत ज़्यादा थी, सो वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जनरल ली जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितना टफ टाइम दिया वो भी कहा जाता है कि एक बहुत एक बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। अब स्लेवरी क्या, ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ जाता है कि क्या स्लेवरी अकेला एक इशू था, तो आपने इसको ये करना है कि स्लेवरी को आप सेंट्रल इशू के तौर पर ट्रीट करेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि इट वाज नॉट द ओनली इशू, आपने इसको सेंट्रल इशू के तौर पर ट्रीट करना है, और आपने कहना है कि इट वाज लिंक्ड टू ऑल द मेजर इशूज, लेकिन और भी इशूज थे, ये सिर्फ नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ये इशू था जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रॉब्लम हुआ। और दूसरे इशूज क्या क्या थे, उसमें आप पोलिटिकल इशूज डिस्कस करेंगे कि स्लेवरी और स्टेट्स के राइट्स का इशू बहुत ज़्यादा था, कि ये जो इंस्टीट्यूशन था ये स्टेट्स इनको अपने राइट के हिसाब से देखती थी, कि स्टेट्स ये समझती थी कि ये तो हमारा हक है, ये फेडरेशन को क्या हक पहुंचता है कि वो इस हमारे हक को हमसे छीने, तो ये इसकी वजह से एक लड़ाई थी।
یعنی یہ پولیٹیکل ایشو تھا فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹس کے درمیان میں, اور خاص طور پہ صدرن اسٹیٹس اور فیڈریشن کے درمیان میں یہ کافی زیادہ ایک ایشو تھا. اس کے بعد سیکشنلزم تھا کہ ایک جو ریجنل لائنس کے اوپر کنٹری ڈیوائڈڈ آلریڈی تھی, لیکن سلیوری کا جو ایشو تھا اس میں اور زیادہ یہ ڈویژن آ گئی. آپ نے میپ میں دیکھا ہے کہ جو سلیوری اسٹیٹس ہیں, سلیو اسٹیٹس ہیں, وہ ایک خاص لائن سے نیچے نیچے ہیں, اور جو جو دوسری اسٹیٹس ہیں وہ خاص لائن سے اوپر. یہاں پہ آپ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک ریجنل ایشو کے طور پہ یہ ہے, ایک سیکشنل, آپ کو بالکل دو ڈویژن نظر آ رہی ہیں کہ اوپر ایک فری اسٹیٹس ہیں اور نیچے سلیوری اسٹیٹس ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے, ایک ایسی ڈویژن کے طور پہ یہ اس لائن کا ایشو تھا کہ جس کو جس کی وجہ سے پھر یہ جو سلیوری تھی اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا, اور اٹ واز ایزیئر ٹو میک ٹو بلاکس بیکاز ریجنلی بہت زیادہ ڈویژن تھی دونوں, ایک جیوگرافیکل ڈویژن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کمپرومائزز اور پولیٹیکل ڈیڈ لاکس بھی اس کا ایک ایشو تھے, یعنی کمپرومائزز کیے گئے لیکن دوز ور ویک کمپرومائزز, اور جو ڈیڈ لاکس تھے ان کی وجہ سے اتنی بٹرنیس آ گئی تھی, بہت زیادہ ایک سیکشنلزم آ گیا تھا, بہت زیادہ کنٹینشن آ گئی تھی ایشوز میں. سو یہ آہستہ آہستہ پھر میٹرز جو ہیں وہ ہسٹری کا ایک بیگیج بنتا جاتے ہیں. سو اس کی وجہ سے بھی پھر یہ ایک پرابلم کریٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد اکنامک ایشوز بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اگین سلیوری جو ہے وہ اکنامک ایشوز کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے. میں نے آپ کو صدرن ایگریکلچرل اکانومی کے بارے میں بتایا, اور اس کے اگینسٹ ناظرن جو وہ ان کو لیبر کی ضرورت تھی تو وہ سلیوری کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اکنامک ڈسپیرٹیز بہت زیادہ تھیں, جہاں جہاں پہ سلیوری تھی وہاں پہ ساؤتھ میں جو ایک اکانومی تھی وہ بہت زیادہ ایگریرین تھی, لیکن جو نارتھ تھی وہاں پہ انڈسٹریل سکسیس نے ایک بہت ہی زیادہ کریٹ کر دیا, انکوالٹی کریٹ کر دی دو سیکشنز کے درمیان میں, اور جو ساؤتھ تھی اس کی وہ لیگ کر رہے تھے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. اور اس کے بعد پھر ٹیرفز کا بھی ایک ایشو تھا, یعنی جو ساؤتھ تھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کا ٹیرفز لگائے جائیں اس کی, اور نارتھ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر بھی ٹیرفز لگائے جائیں, لیکن جو ساؤتھ کا ایشو تھا وہ ان کا ایکسپورٹ کے حوالے سے زیادہ ان کی اکانومی تھی, ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی تھی, کیونکہ وہ اگریکلچر پروڈکٹس کو بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اور جو نارتھ تھا اس میں امپورٹ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ ایگریکلچرل کی بجائے انڈسٹریل اکانومی تھی. تو انڈسٹریل اکانومی کے اندر آپ کو را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ فنش پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سوشل اور کلچرل ایشوز سے ریشل آئیڈیالوجی, ایک وائٹ اور بلیک کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم وائٹ ہیں تو ہمیں وائٹ لوگوں کا ہی ساتھ دینا ہے, جو بلیک ہوتے ہیں وہ بلیکس کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈویژن, ایک ایک آپ اس کو نیچرل تو نہیں کہیں گے لیکن آپ اس کو کافی حد تک ایک اسٹرانگ ڈویژن کہہ سکتے ہیں کہ ریشلی ڈیوائڈیڈ سوسائٹی تھی. تو اس میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو وائٹ تھے لیکن بلیکس کا ساتھ دیتے تھے. اس کے بعد سوشلی اگر آپ دیکھیں تو ایولیوشنسٹ موومنٹس نے بہت ایک رول پلے کیا اس میں, اور اس میں کافی زیادہ ایک اویئرنیس آئی اور ایک کیمپین ان کی ہمیشہ سے رہی. اور پھر فیوجیٹیو سلیو ایکٹ نے کافی زیادہ ایک پرابلم کریٹ کی, جس میں ایک ٹینشنز بہت زیادہ ہو گئیں. ظاہر ہے جب آپ ایک اسٹیٹ سے ایک سلیو بھاگ کے دوسری اب یہ ایک ہماری پولیس جو ہے وہ امورل کام کر رہی ہے اور ایک سلیو سلیوری میں ہیلپ کر رہی ہے ایک طریقے سے, تو یہ ایک کافی زیادہ اس کی وجہ سے بھی ناردرن اسٹیٹس میں کافی اپوزیشن اور لوگوں کے انڈیویجول لیول پہ بھی کافی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر ٹیریٹوریل ایکسپینشن کو ہم نے پڑھا ہی ہے پیچھے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا اس سول وار کے اندر. ابھی یہ جو ایشوز ہیں یہ سارے سول وار سے ریلیٹڈ ہیں, یہ سول وار کے کازز کیا کیا ہیں, کیا سلیوری صرف ایک ہی ایشو ہے یا اور بھی کازز ہیں. تو ان اور باقی کازز کے اندر ہم ٹیریٹوریل ایکسپینشن کو بھی دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا میزوری کمپرومائز میں نے آپ کو بتایا, کینسس نیبراسکا ایکٹ آپ کو بتایا, اور اس کے بعد ویسٹ ورڈ جتنی ایکسپینشن ہوئی اس کے اندر نئی اسٹیٹس جب ایڈ ہوئی تو ان اسٹیٹس کے بارے میں بہت زیادہ کوشچن پیدا ہوا کہ ان کو سلیو اسٹیٹس ہونا چاہیے یا اینٹی سلیو ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہ کازز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, اکنامک ہوں, سوشل ہوں یا ٹیریٹوریل ہوں, یہ سارے کے سارے لنکڈ ہیں سلیوری کے ساتھ. سو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ آلدو کہ یہ ایک ان کی اپنی
एक अपनी भी एक जाहिर है मौजूदगी है, लेकिन ये सारे के सारे एट द एंड ऑफ द डे स्लेवरी के साथ जाके लिंक होते हैं। फिर उसके बाद स्लेवरी लोगों ने क्या कहा था, यानी अलेक्जेंडर स्टीवंस जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट्स थे, तो उन्होंने कहा था कि अफ्रीकन स्लेवरी इज एज इट एक्जिस्ट्स अमंगस्ट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द लेट रप्चर, और जो अभी रेवोल्यूशन आई है उसमें स्लेवरी को उन्होंने प्राइम कहा था। और उसके बाद अमेरिकन हिस्टोरियन थे ड्वाइट कैथले, उसने कहा था कि इशू जो था वो बेसिकली स्लेवरी नहीं था, एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी इतना बड़ा इशू नहीं था, एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी पर जंग हुई है सिविल वॉर की। जब उन्होंने कमेंट किया तो उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी तो पिछले 50 साल 60 साल 70 साल से चल रही थी, तकरीबन 100 साल हो चुके थे अमेरिका को बने हुए, लेकिन 1865 में आके जंग हुई तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी इतना बड़ा इशू नहीं था, एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी की वजह से वो टेंशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से फिर ये वॉर स्टार्ट होगी। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंट इसमें इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई कहता है कि स्लेवरी मेजर इशू था, ये मेन इशू था, कोई कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी एक इशू था, कोई कहता है कि इकोनॉमी का इशू था और स्लेवरी के साथ लिंक था। तो ये आपको जिस तरह से क्वेश्चन आएगा फिर आप उसको उस तरीके से होल्ड करके तो अपने आर्गूमेंट्स को स्लेवरी के साथ क्लेमेशन आया। 13th अमेंडमेंट, ये भी आपने लाजमी याद करना है कि अमेंडमेंट कौन सी थी, 13th अमेंडमेंट के जरिए से स्लेवरी का खात्मा किया गया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की 13th अमेंडमेंट थी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। और ऑब्वियसली अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इसका एक मेन इम्पैक्ट था। उसके बाद यूनियन प्रिजर्व हुई, यानी जो अब्राहम लिंकन का एक मेन काम था वो ये कहते थे कि मेरा मकसद असल में यूनियन को प्रिजर्व करना है, स्लेवरी अगर मुझे कुर्बान करना पड़ा अपने इस जो मेरा एक तरह से आइडियोलॉजी है स्लेवरी के हवाले से, मैं एंटी स्लेवरी तो ज़रूर हूँ लेकिन मेरा मेन मकसद यूनियन को प्रिजर्व करना है। और उसके लिए फिर कहा जाता है कि जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया था, जो एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को भी ये कहा जाता है, ये उनकी एक पोलिटिकली एक्सपीडियंसी थी कि उन्होंने ब्लैक्स को अफ्रीकन अमेरिकन को अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने ये किया था। बहरहाल उसका इम्पैक्ट यही आया कि यूनियन भी प्रिजर्व हो गई और स्लेवरी भी अबॉलिश हो गई। उसके बाद फेडरल पावर इन्हेंस हुई, फेडरल पावर के पास जाहिर है जब आपने एक 11 बहुत मेजर स्टेट्स थी जिन्होंने सीसीड किया था लेकिन यूनियन प्रिवेल्ड ऑन ऑल दो स्टेट्स, तो फिर एक फेडरेशन काफी ज्यादा नहीं है, खास तौर पे वॉर के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी उसको फिर एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुई इकोनॉमिक हवाले से, इन्फ्लेशन भी हुई और एक जाहिर है एक वॉर जो है वो क्रिएट करती है इस तरह की सिचुएशन, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई नॉर्थ के अंदर, खासतौर पर वेपन्स टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई कि 1860 की राइफल्स और 1870 की राइफल्स में जमीन आसमान का फर्क था। और उसकी वजह यही थी कि बहुत ही ज्यादा इनोवेशन हुई इस सारी जंग के दौरान में और बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगी। इंडस्ट्री को फायदा हुआ। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा स्टार्ट हुआ। रिकंस्ट्रक्शन एरा का मकसद ये था कि जो बहुत सारे इश्यूज थे साउथ के अंदर उनको एड्रेस किए जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। उसके बाद सिविल राइट्स का एक जाहिर है उसमें एक बहुत ज़्यादा एक खता हुई और जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक स्ट्रेंथन हुए वो, और फिर एक नेशनल आइडेंटिटी भी इस चीज़ की आ गई कि हम एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करने वाली कौम है, हम एक इस हद तक जाने को तैयार हैं कि अगर हमारे अपने लोग भी एक ऐसे इशू को वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो एक आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को आप पढ़ लेंगे खुद ही, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई इसमें से प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब्राहम लिंकन के ऊपर अक्सर नोट आ जाता है
पूरा क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का नहीं आता, 10 मार्क्स का नोट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पे अक्सर आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें चीज़ें ज़्यादा याद होने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जो मेन मेन इनकी चीज़ें थी, लीडरशिप उनका बहुत क्रिटिकल रोल था उनका, और उन्होंने जो अपनी कैबिनेट बनाई थी उसमें उनके बड़े सख्त मुखालिफ लोग भी शामिल थे, यानी वो एक डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करने वाले प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर अपने सख्त क्रिटिक्स को भी शामिल किया और उनकी बात को भी वो बड़े तरीके से सुनते थे। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बड़े अच्छे तरीके से जबरदस्त एक एक्टर हैं, ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, उनके वो भी है, और इसी इशू के ऊपर है, स्लेवरी के इशू के ऊपर है। सो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन में उनका बहुत बड़ा एक किरदार आपको देखा है। मिलिट्री स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी थी, जो उनकी एक तो नेवल हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल की, डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी उन्होंने की। उसमें उन्होंने जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो यूरोपियन पावर्स थी, उनको अलग रखा ताकि वो बीच में शामिल ना हो सके, इस वॉर के अंदर ना आए। उसके बाद उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया कॉन्फेडरेट स्टेट्स का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ, और वो एक प्रैक्टिकली पूरी दुनिया से उनकी जो रबता था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से यूनियन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सो उनकी जो मिलिट्री मिशन का मैंने आपको बताया कि बड़े ज़बरदस्त टाइम पे उन्होंने ये किया था, और उससे काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट हासिल हुई थी स्लेव्स की भी, साथ में वो मॉरल लीडरशिप का भी उन्होंने साथ साथ किया था। और उनका एक एड्रेस था गेटिसबर्ग का, हाउस डिवाइडेड स्पीच उनकी बड़ी एक मशहूर है, और उस एड्रेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से बात की थी कि जो एक यानी जो इक्वालिटी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अमेरिका की फाउंडेशन है, उसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिक्र। वॉइसेस हैं वो वेन में नहीं जाएंगी, और वो एक स्पीच बड़ी उनकी मशहूर है। तो जो उनकी असैसिनेशन है उसको अपने याद करना है, कब हुई थी, April 14, 1865 में हुई थी। फोर्ड थिएटर था जिसके अंदर वो और अमेरिकन कज़न ड्रामा देखने गए हुए थे, यानी स्टेज ड्रामा था, और वहाँ पे जॉन विल्क्स बूथ एक कॉन्फेडरेट सिंपथाइजर था साउथ का, उसने गोली चलाई और प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन हुई। ये दूसरे तीसरे दिन हुआ था जब उन्होंने ये जंग जीतने के बाद, तीसरा या चौथा तकरीबन, जब वो ये देखने के लिए गए थे और वहां पे उनकी डेथ हो गई। एक टाइम स्टार्ट हुआ 1865 के बाद, एक बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो चुके थे वॉर के बाद भी, और उसके अलावा भी ये जो स्लेवरी का इशू था उसके आपने एक 100 साल तक जब लोगों को स्लेव बना के रखा हो तो उनकी क्या हालत होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी कैसी होंगी, एजुकेशन उनके पास नहीं होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं होंगी, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई किस हवाले से उनके पास, तो वो एक परपेचुअल पॉवर्टी के एक सिचुएशन पैदा हो जाती है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। तो जो ये रिकन्स्ट्रक्शन एरा था, फिर इसका मकसद ये था कि ये जो फॉर्मर स्लेव स्टेट्स हैं जो साउथ है, वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट की जा सके कि जो फॉर्मर स्लेव्स हैं उनको राइट्स पूरे मिल सकें। जाहिर है वो अब आज़ाद शहरी थे, जितने भी स्लेव्स थे वो उनको राइट्स दे दिए गए थे। तो रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर फिर कोशिश की गई कि उनको बराबर का शहरी बनाया जा सके। इसके अंदर कुछ सक्सेसेस थी लेकिन कुछ फेलियर्स भी थे, जिसकी वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो ब्लैक्स थे, उनको वो राइट्स नहीं मिल सके, और वो पूरा 100 साल लग गया उनको वो राइट्स हासिल करने में, लेकिन बहरहाल इसकी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ था। सो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट्स, यानी लेजिस्लेशन इसमें हो गई थी। 13th अमेंडमेंट में स्लेवरी अबॉलिश हुई, 14th अमेंडमेंट में सिटीजनशिप और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अफ्रीकन अमेरिकन को, पूरे यानी सब अमेरिकन को हासिल हुआ, और 15th अमेंडमेंट के अंदर राइट टू वोट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन मैन। अगेन आपने याद रखना है, जो औरतें थी उनको 1919 के अंदर के वोट का हक हासिल हुआ था, यहाँ तक आके अभी तक सिर्फ मैन कुड वोट। 1865 में भी जब ये रिकंस्ट्रक्शन एरा भी था तो उसमें फोकस मर्द ही थे,
और इनको ही सिर्फ वोट डालने का हक था। अब ये जो राइट टू वोट था, ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए दे तो दिया गया था 1870 के अंदर ही, लेकिन ये फिर 1865 में जाके एक एक्ट आया था जिसके बाद फिर जाके कहीं असल में हकीकत में राइट टू वोट हासिल हुआ था। उसमें बहुत सारी ऐसी लॉज थे, जिम क्रोज लॉ आगे हम पढ़ेंगे, तो वो उनकी वजह से राइट टू वोट उस तरीके से हासिल नहीं हो सका था। बहरहाल ये जो एक सिलसिला था इसमें अमेंडमेंट्स हुई और इन तीन अमेंडमेंट्स का एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि एक अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कोई भी शख्स अगर नॉर्थ की तरफ सफर करना चाहता है तो वो सीधा नॉर्थ वेस्ट की तरफ से होके भी जाना पड़ता है और कभी ईस्ट की तरफ से भी होके जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा ही सिलसिला था जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप जाके कम्प्लीट हुआ, लेकिन बहरहाल ये स्टार्ट जरूर हो गया था 1865 के बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा के अंदर। फिर कुछ ऐसे राइट्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ सिविल राइट्स थे जो अफ्रीकन अमेरिकन को हासिल नहीं थे। एजुकेशन, प्रॉपर्टी और पोलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सपेंड की गई इसके अंदर, और एक फ्रीडमैन्स ब्यूरो बनाया गया। फ्रीड मैन यानी जो नए नए आजाद गुलाम थे उनके लिए एक ब्यूरो बनाया गया ताकि उनको सपोर्ट की जा सके मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। उसमें हेल्थ केयर भी था, उसमें लीगल मैटर्स भी थे, उसमें एजुकेशन भी थी, उसमें काफी सारे और भी इश्यूज थे जिसमें इनको सपोर्ट की जाती थी। यानी एक डेस्क बनाया गया था, एक इदारा कायम किया गया था, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोशिश की गई ताकि एक इक्वालिटी को अचीव किया जा सके जो फॉर्मर स्लेव्स हैं उनके पास, क्योंकि जाहिर है कोई चीज नहीं थी, वो गरीब लोग थे और वो उनके पास ना प्रॉपर्टी थी, ना उनके पास पैसा था, ना सेविंग्स थी, कुछ नहीं थी। तो कोशिश की गई कि उनको शामिल किया जा सके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और खास प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए गए। और इसका दूसरा जो एस्पेक्ट था वो साउथ की डेवलपमेंट, सिर्फ स्लेव्स की डेवलपमेंट नहीं, स्टेट्स की डेवलपमेंट का भी काम किया गया। रेल रोड ताकि कनेक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके साउथ को भी, जो लैग है टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर, उसको आगे कम किया जा सके और नॉर्थ और साउथ को यानी एक लेवल पे लेके आया जा सके। फिर इसके अंदर जो फेलियर्स थे रिकंस्ट्रक्शन एरा के, वो क्या थे? एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई। कू क्लक्स क्लान एक ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज की वाइट सुप्रीमिसिस्ट की, जिन्होंने बहुत ज्यादा वॉयलेंस किया, बहुत ज्यादा रिजिस्ट किया, और वो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल किया, बहुत ज्यादा लोगों को मारा पीटा भी गया, और जहाँ पे भी ब्लैक्स की राइट्स की बात होती थी तो वो वहां पे आके उसको कोशिश करते थे कि उसको अपोज कर सकें। और जाहिर है जब मेजॉरिटी ही वाइट्स की थी बहुत सारे टाउन्स में, तो वहां पे फिर काफी ज्यादा एक रेजिस्टेंस का सामना। सोशल प्रोजेक्ट्स थे उसमें वाइट सुप्रीमेसी काफी ज्यादा हावी रही। फिर एक कॉन्सेप्ट इमर्ज किया शेयर क्रॉपिंग का, और शेयर क्रॉपिंग को आप कह सकते हैं कि मजारे सिस्टम, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मजारे जो है वो कुछ ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे मजारे जो है वो काम करते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उनको लैंड नहीं मिलती और उनको बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मिलता है जो भी वो फसल उगाते हैं। मजारे के तौर पे जमीन लेते हैं तो आप उसको काश्त करते हैं, उसमें आधी फसल आपको मिलती है और आधी जो ओनर होता है उसको मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा हिस्सा उनको दे दिया जाता है जो उनके खाने के लिए काफी होता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते और बाकी सारे का सारा लैंड ओनर ले जाता है। तो ये एक सिस्टम इमर्ज किया शेयर क्रॉपिंग का, जिसमें फिर एक जो वहाँ के प्रॉपर्टी ओनर्स थे उन्होंने कहा कि आप हमारी जमीनें काश्त करें। वो पहले से ही स्लेव्स उस उन तो अभी भी आप काम करते रहे बजाय इसके कि आप हमारे स्लेव हों, अब हम आपको हिस्सा देंगे, लेकिन वो हिस्सा बहुत ही कम था और उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज्यादा थी। तो ये एक ऐसा इशू बन गया जिसकी वजह से फिर ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनको इकोनॉमिक राइट्स उस तरीके से हासिल नहीं हो सके। फिर लैंड जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई तो फिर नए बंदों को कैसे लैंड मिलेगी? यानी आप या तो जमीन आबाद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। तो जो गुलाम थे प्रीवियसली उनके पास तो ये रिसोर्सेज नहीं थी, तो और दूसरा जो लैंड थी वो यानी उस तरीके से इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म के अंदर तो एटलीस्ट
कोई फायदा लोगों को नहीं हुआ, ब्लैक्स को, अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो एक फेलियर के तौर पे देखा जाता है वो एंड्रयू जॉनसन प्रेसिडेंसी भी थी। प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन जो थे ये इम्पीच भी हुए थे, पहले प्रेसिडेंट थे जो इनको कांग्रेस ने इम्पीच किया था, और ये बहुत ही एक के हवाले से इनका एटीट्यूड बहुत ही खराब था, और इन्होंने बहुत ज्यादा यानी कांग्रेस कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम करने की कोशिश करती थी ये उसको या तो इम्प्लीमेंटेशन के फेज पे फेल कर देते थे या फिर उसको खुद से अपोज करते थे। सो इनका भी जो एक प्रेसिडेंसी है वो भी एक फेलियर के तौर पे ली जाती है। रिकंस्ट्रक्शन एरा का क्वेश्चन कई दफा आता है, सो आपने इसको भी प्रिपेयर करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट एरा है यूएस हिस्ट्री के अंदर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज जो बहुत ज्यादा एंड तक चलती रही वो जिम क्रो लॉज थे, यानी रेशियल सेग्रीगेशन और जिम क्रो लॉज। जिम क्रो लॉज का मकसद ये था कि जितनी भी ये जो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको अलग रखा जा सके, यानी उनकी स्लेवरी तो खत्म हो गई है लेकिन उनको बराबर का शहरी ना बनने दिया जाए। कुछ उसमें वोटिंग राइट्स के ऊपर पाबंदी इस तरह की लगा दी गई कि वो जो स्लेव्स हैं वो वोट ना दे सकें। कुछ ऐसे टिकट्स लगा दिए गए जो यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो पैसे नहीं दे सकते थे, तो जब आप वोट देने जाते हैं मिसाल के तौर पे तो आपको एक टिकट लेना पड़ता है और उस पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो कहते थे कि जी हम ऑलरेडी गरीब हैं तो हम ये पैसे तो नहीं देते। तो इस तरह से यानी कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, और फिर एक ऐसा वोटिंग के लिए जब रजिस्टर करने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन जाते थे तो उनसे क्वेश्चन किए जाते थे। कोई भी बंदा वोटिंग के लिए रजिस्टर करने जाता था तो उनसे क्वेश्चन होते थे, तो वो क्वेश्चन इस तरह के होते थे कि जो व्हाइट बंदा जाता था उसको तो वो फौरन अप्रूव कर देते थे क्योंकि आगे भी व्हाइट लोग बैठे होते थे, उनकी एक इजारादारी थी वहां पे। तो कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन जाता था तो वहां का क्लर्क उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ के उसको रिजेक्ट कर देता था। तो उसमें एक बहुत ही मशहूर स्टोरी भी थी, अब उन औरत का मुझे नाम नहीं पता, वो 30 साल तक जाती रही थी अपना वोट रजिस्टर करने के लिए, और 30 साल बाद जाके उसका वोट रजिस्टर हुआ था। और ये बात है 1965 के अंदर जब एक्ट आया था, उस एक्ट का मुझे ये वोटिंग राइट्स एक्ट था मेरे ख्याल में, उसमें जाके फिर अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग का राइट प्रॉपरली मिला था, अदरवाइज उनको डिस्करेज किया जाता था, काफी हद तक उनकी कोशिश की जाती थी। और अभी इस वक्त तक भी हालात इस तरह के हैं कि एक जो जो लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई देना, और कॉन्वेक्ट्स की एक बहुत बड़ी जो परसेंटेज है वो ब्लैक्स की है और वो अफ्रीकन अमेरिकन की है, तो अभी भी लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि ये भी एक टैक्टिक है ताकि अफ्रीकन अमेरिकन को वोट देने से रोका जा सके। बहरहाल, और फिर एक और सेपरेट बट इक्वल का एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ जिसमें ऐसा पॉलिसी बनाई गई कि और सेपरेट हों लेकिन इक्वल हों, दोनों के बराबर के हकूक हों, बराबर के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल दोनों के एक जैसे हों लेकिन अलग अलग हों, यानी सेग्रीगेशन कर दी गई कालों और गोरों के दरमियान में। तब होता प्रैक्टिकली ये था कि जो कालों के स्कूल थे वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई टीचर नहीं होता था, कोई वहां पे रूम्स नहीं होते थे, और जो गोरों का स्कूल होता था वो उसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती थी, लोकल बॉडीज उनको प्रोवाइड करती थी। तो ये सेपरेट बट इक्वल के नाम पे काफी ज्यादा जो ब्लैक्स थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको डिप्राइव किया गया उनके राइट्स से। और उसके बाद 1877 प्रेसिडेंट के लिए, और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो डेमोक्रेट्स थे, अगेन डेमोक्रेट्स आपको पता ही है प्रो स्लेवरी थे, तो डेमोक्रेट्स ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं जो प्रेसिडेंट है उनको, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रदरफोर्ड हेयस, उसको हम सपोर्ट तब करेंगे जब आप तमाम ट्रूप्स जो आपके सदरन स्टेट्स के अंदर हैं उनको आप वापस बुलाएं। और वो ट्रूप्स बहुत जरूरी थे उस बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे ब्लैक्स के ऊपर, तो वहां पे जो फेडरल ट्रूप्स था उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी। तो अब ये जब उनको वहां से हटा लिया गया तो एक नया एरा ऑफ सेग्रीगेशन स्टार्ट हुआ, जिसको फिर बहुत अरसा लगा, 100 साल के करीब लग गए अफ्रीकन अमेरिकन को उसको खत्म करने में। सो ये कुछ ऐसे यानी फेलियर्स थे और कुछ ऐसे चैलेंजेस उसके बाद 1877
65 के अंदर जब सिविल वॉर ख़त्म हुई और ये जो रिकंस्ट्रक्शन एरा है ये 1877 के अंदर ये ख़त्म हुआ, 1865 से 1877 के दरमियान के एरा को रिकंस्ट्रक्शन एरा समझा जाता है। और उसके बाद का जो एरा है 1875-1880 से लेके और तकरीबन 1898 तक या 1895 तक, इसको तो 1870 से लेके 1895 तक तकरीबन ये 30 साल का जो अरसा है इसको गिल्डेड एज के तौर पे जाना जाता है। इसका नाम कहाँ से आया? मार्क ट्वेन एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं यूएस के, और चार्ल्स डडली वॉर्नर भी उनके साथ थे जिन्होंने एक नॉवल लिखा था, उसका नाम था द गिल्ड। इस एरा के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हुई इस एरा के अंदर, और सिविल वॉर के बाद एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा, जाहिर है लेबर भी आपके पास अब अवेलेबल थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ इस एरा के अंदर हुई थी। इस एरा के अंदर एक पेटेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रूव, पेटेंट्स पेटेंट लॉ यूएस के अंदर है कि आप किसी भी बंदे की टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं कर सकते। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस एरा के अंदर पेटेंट्स बहुत ज़्यादा इशू हुए, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हुए, और साथ ही रेल रोड्स बने और टेलीग्राफ और यूएस की इकोनॉमी के अंदर वेल्थ इनइक्वालिटी यानी ये बहुत अमीरों एक आप किसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बहुत ही ज़्यादा, तो इनइक्वालिटी भी बढ़नी शुरू हो गई, जिस तरह अभी भी होता है किसी भी मुल्क के अंदर। इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल अभी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ हो रही है लेकिन साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, एक तरफ बहुत बड़ी आबादी होती है स्लम्स होती हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़े प्लाजा खड़े हुए होते हैं, तो इनइक्वालिटी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई, गरीब से गरीब तरह होता गया और जो अमीर था वो बहुत ज़्यादा अमीर होता गया। इसमें बहुत ऐसे नाम सामने, इनको रॉबर्ट बैरन्स कहा जाता था और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने उसमें, रॉकफेलर एक बड़ा नाम है, उनकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, रेल रोड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया, बैंकिंग के नए नए सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही कम पैसे थे जिनके पास, बहुत मुश्किल से जिनका गुजारा चल रहा था। हाँ, जेपी मॉर्गन भी एक बहुत मशहूर बैंक था उस दौर में। उसके बाद ये तीन बैंक्स थे जो बहुत ज्यादा हुई, इमिग्रेशन उसकी वजह से बहुत ज्यादा हुई, अर्बनाइजेशन जब भी होती है, इंडस्ट्री जब भी लगती है तो उसकी वजह से जाहिर है इमिग्रेशन तो बढ़ती है, और इस दौर के अंदर फिर शहरों की तरफ लोगों ने बहुत ज़्यादा रुख किया, इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घाती एरियाज को, एग्रेरियन इकॉनमी को छोड़ के और बहुत ज़्यादा शहरों के अंदर आबादी किया, जिसकी वजह से कंडीशंस काफ़ी कुछ ख़राब हुई, क्राउडेड हो गई प्लेसेस, सैनिटरी के इश्यूज हुए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस वक्त क्योंकि इनफ नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेवलप हुआ, और फिर साथ साथ करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी इस दौर में, एक क्रोनीज़म कहते हैं, और साथ साथ इसमें नेपोटिज्म बढ़ा, स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आए, करप्शन मोनोपोली का इश्यूज हो गए, और ये गिल्डेड एज की वजह से फिर आगे प्रोग्रेसिव एरा आता है, और वो प्रोग्रेसिव एरा इसीलिए आया था क्योंकि गिल्डेड एज के अंदर कुछ ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से फिर जो डेमोक्रेसी थी उसको इटसेल्फ एक ख़तरा पैदा हो गया कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ये कहीं इस तरह के इश्यूज ना क्रिएट करें कि जो मोनोपोली कायम हो जाए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मोनोपोली पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कायम हो जाए, सो ऐसी करप्शंस और एक यानी पॉलिटिशियंस और नेक्सस था इनका बिजनेस
ظاہر ہے لیبر کا ایک انرسٹ سٹارٹ ہوتا ہے, ہے مارکیٹ افیئر ہوا تھا 1885 کے اندر, جس میں جس کی وجہ سے پھر یکم مئی کو یوم مزدور ابھی تک منایا جاتا ہے. اس میں 8-10 مزدوروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, کسی نے کوئی دھماکہ کر دیا تھا اس میں, اور یہ پروٹیسٹ تھا 8 hours ڈے کے لیے, یعنی 8 hours کا دن مقرر کرنے کے لیے یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا ہے مارکیٹ افیئر. اور اس میں پھر جو ورکرز تھے انہوں نے کافی زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش, لیبر کا ایک اویکننگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اویکننگ کا بھی دور تھا. ساتھ ساتھ پھر سوشل ریفارمز بھی ہوئی, ریفارمز تو کم ہی ہوئی اس دور میں, اس دور میں سوشل ریفارم موومنٹس کافی زیادہ چلی, یعنی ویمن سفریج کا جو فرسٹ ویو آف فیمنزم ہے وہ بھی اسی دور کے اندر آئی تھی, اور ورکرز رائٹس, سول رائٹس, افریقن امیریکنز کے اپنے رائٹس, تو یہ اس دور کے اندر موومنٹس کافی زیادہ چلی تھی. پھر ان کا امپیکٹ اگلے پروگرسو جب انڈسٹریلائزیشن اور مائگریشن ہوتی ہے اور اربنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں ایک مڈل کلاس ایمرج کرتی ہے, تو اس دور کے اندر بھی ایک مڈل کلاس ایمرج کی. ان کے پاس اس ٹائم پہ تو وہ نہیں تھے, رائٹس نہیں تھے, لیکن اویئرنیس بڑھ رہی تھی, پولیٹیکل پارٹیسپیشن بڑھ رہی تھی, تو سوشل ریفارمس کی امپیٹس اور امپلس جو تھی وہ اس دور کے اندر لوگوں کے اندر موجود تھے. اور پھر ایک کنزیومر کلچر کا آغاز ہوا, یعنی جو ہم ٹائم اسٹارٹ ہوا, اور 1890s کے بعد پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ مشینری ایجاد ہونی شروع ہو گئی, ریفریجریٹر وغیرہ, اس طرح کی جو ہاؤس ہولڈ کی مشینس تھیں وہ بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گئیں. ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجیکل انوویشنز جو تھیں, انوینشنز جو تھیں, وہ بھی گلڈن ایج کا ایک خاص حصہ ہیں. اس کے اندر ٹیلی فون, الیکٹرک پاور وغیرہ, اکانومی کے اندر اور سوسائٹی کے اوپر بھی. پھر جو دو تین میں نے آپ کو بتایا, روکفیلر کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور مورگن کا ذکر کیا آپ نے, یہ تین لوگ تھے جو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے, جان ڈی راکوفیلر, اینڈریو کارنیشی, ایک انہوں نے اپنی پاور بہت زیادہ اسٹیبلش کی اور مونوپولی قائم کر لی ڈفرینٹ بزنسز کے اندر. تو اس کو پھر ختم کرنے کے لیے کافی زیادہ اصلاحات ہوئیں, اور ان اس دا گلڈڈ ایج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایشوز تھے. اب آپ کے پاس اکانومی گرو کر رہی ہے, ایگریکلچرل پروڈکشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک سرپلس کیپٹل کافی زیادہ ہو, تو اس کا پھر ایک اس کا جو یعنی انٹینڈڈ کانسیکوینسز کے اندر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ملک اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک وہ اس کو پاور کو پروجیکٹ کرتے ہیں آؤٹ ورڈ, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پاور کو شو کریں دوسرے لوگوں کو اور دوسرے ملکوں کو. تو یہ دا گلڈڈ ایج کو آپ ایک سمجھیں کہ اس کی ایک فاؤنڈیشن تھی یو ایس امپیریلزم کی. گلڈڈ ایج اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لنک ہوتا ہے اگلے دو ایراز کے ساتھ. گلڈڈ ایج کے اندر جو کامیابی یو ایس کو حاصل ہوئی تھی پرابلمز کریٹ ہوئی تھی, اس کی وجہ سے پروگریسو ایرا سٹارٹ ہوا تھا. یہ دو ایراز جو یو ایس ہسٹری کے اندر گلڈڈ ایج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں, وہ ایک یو ایس امپیریلزم ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے پروگریسو ایرا. سو آپ نے اس لیے گلڈڈ پڑھ لیں گے تو اس کے کیریکٹرسٹکس آپ کو پتہ ہونے چاہیے گلڈڈ ایج کے, کہ اس میں اکنامک سکسیس بہت زیادہ, ایگریکلچرل سکسیس اس کے اندر بہت زیادہ, انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ, انوویشن, ٹیکنالوجی, اربنائزیشن, اور ساتھ ساتھ پھر وہ اس کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں وہ بھی اس میں کافی زیادہ آئے تھے. چلیں نیکسٹ ہم انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے یو ایس امپیریلزم, تھوڑا گلڈڈ ایج
और रिकंस्ट्रक्शन एरा, इसको थोड़ा सा आपने जनरली इसकी सेंस ज़रूर बना लेनी है, क्योंकि ये किस तरह के टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से फिर आगे एक इम्पैक्ट पड़ा यूएस हिस्ट्री के ऊपर, और ख़ास तौर पे गिल्डेड एज का एक बहुत इम्पैक्ट है इम्पीरियलिज्म के ऊपर भी और रिकंस्ट्रक्शन एरा के। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल मुलाकात होगी। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Recording stopped.